व्हाट्सअप क्या बोलती पब्लिक, अंटाइबा बोलती क्या। तो गाइस आज अपन लोग जा रहे हैं कूब मॉल। क्या कूब मॉल? क्या कूब मॉल? क्या बोला? सॉरी क्यूब मॉल, क्यूब मॉल। हाँ तो आज अपन लोग जा रहे हैं क्यूब मॉल। तो काफी नामचीन जगह है, नाम सुन के तो बहुत हार्ड लग रहा है क्यूब मॉल। तो अभी अपन लोग जा रहे हैं यहाँ से सालविया से बस पकड़ के। तो एज यूजुअल अपना जो रोज का रहता है जाने का सीन बस से, तो वैसे ही अपन लोग जा रहे हैं आज क्यूब मॉल देखने का वहाँ पे क्या क्या सीन है, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, कुछ आइडिया नहीं है। तो सोचा कि शूट लेके पब्लिक को इन्फॉर्मेशन दे दूँ वो क्यूब मॉल के बारे में, कैसा दिखता है, क्या सीन है, क्या खासियत है। तो अभी अपन लोग बस से जाएंगे, तो फिर चलो फास्ट फास्ट। ये देखो ये एडवर्टाइज देखो, फॉर रेंट रूम, फॉर रेंट पार्टीशन 50 KD इंडियन पुपुलेक्स लिखा है गाइस। ये पुपुलेक्स का मतलब क्या है मेरे को तो नहीं मालूम, तुम लोग कमेंट में बताओ। पहले अभी तो मैं बस से उतर गया हूँ गाइस। सबसे पहले आप लोग को मैं ये बताना चाहता हूँ कि बिना इन्फॉर्मेशन के मत निकलना। मेरे साथ भी यही शॉट हो गया, मैं सोचा व्लॉग शूट करूंगा, लेकिन सीन यहाँ पे ये हो गया कि मैं व्लॉग शूट करने के चक्कर में, वीडियो बनाने के चक्कर में गलत बस में चढ़ गया। वो बस का नंबर था 999। तो मुझे ऐसा जो मैंने गूगल पे देखा था क्यूब मॉल इस तरीके का, तो वो हिसाब से अभी मैं जो जगह पे उतरा हूँ वो मैप देख के उतरा हूँ गूगल मैप के सहारे। तो मुझे वो जगह राइट लग रही है जहाँ मैं उतरा हूँ, वरना मुझे कुछ कहीं और ही छोड़ देता बस वाला। तो वो ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं कि 15 नंबर बस एग्जैक्ट मॉल के पास छोड़ती है, तो मेरे से गलती हुई है। तो आप लोग जब भी आओगे 15 नंबर बस पकड़ना सालमिया से। तो अपन लोग अभी रोड क्रॉस करके चल के वो साइड जा रहे हैं, और अपना जो मिशन है वो क्यूब मॉल का है। सो लेट्स गो और स्टार्ट करते क्या। और पीछे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे KFC वगैरह है, सालमिया कोऑपरेट सोसाइटी है। तो अभी अपन रोड क्रॉस कर रहे हैं और मिलते हैं वो रोड पे क्या। गाइस अपन लोग रोड क्रॉस कर लिए अभी और क्यूब मॉल की तरफ बढ़ रहे हैं। मैप में देख के 9 मिनट का रास्ता है, 1 किलोमीटर था यहाँ से लेके वहाँ तक। तो कोई बात नहीं, उतर गया हूँ मैं। आप लोग आओगे तो 999 में मत आना, यही बोलना चाहूँगा। तो एक सीख मिल गई है, अच्छा हुआ शूट चालू था। और फिर बाद में ये गार्डन है इधर, बहुत रावस दिख रहा, हरा भरा दिख रहा, एकदम क्लीन और एकदम टाइडी। और ये इधर झाड़ है, क्या झाड़ है भाई, इधर एकदम अलग ही टाइप का झाड़ दिख रहा है, डेंजर वाला। तो अपन लोग अभी ऐसा खेतीबाड़ी से गुजरते हुए निकल रहे क्यूब मॉल के लिए। तो ये सारा सीन है। और ये स्कूल की प्लेस है, इसके लिए इतनी साइलेंट प्लेस है, ऐसा कुछ जगह ही है। वो इंटरनेशनल क्लिनिक है सामने, उसके बाजू में गल्फ स्कूल है, उसके बाजू में एक और स्कूल है, खलीफा है या खलफा है, वो मेरे को पढ़ने में नहीं आ रहा है, आई दिख रहा नहीं है। बस चल रहे हैं अपन लोग, मोबाइल से व्लॉग शूट कर रहे हैं पब्लिक, इसके लिए क्वालिटी के लिए आई एम सॉरी, लेकिन आप लोग का प्यार और सपोर्ट रहेगा तो फिर अपने पास एक से एक कैमरा आने वाला है बहुत जल्द, और एक से एक चीज़ आने वाली है अपने वीडियो में। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड, कैमरे से रिलेटेड है, और हेडफोन साइकिल बाइक जो भी चीज़ें, पूरी अपनी वीडियो में लाने की कोशिश करूँगा मैं। तो अपन लोग चल रही है बस व्लॉग शूट करते हुए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्यूब मॉल मेरे सामने। गाइस फाइनली जो मेरा अंदाज़ा था वो एकदम करेक्ट था, जो हिसाब से मैं 999 पे उतरा हूँ वहाँ से 1 किलोमीटर मतलब 900 मीटर आप लोग से बात करते करते पहुँच भी गया यहाँ पे, मालूम भी नहीं पड़ा। तो क्यूब मॉल वही है जो मुझे वहाँ से दिखा था, और मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, और नाम बहुत हार्ड है क्यूब, तो वो हिसाब से मैं सोचा व्लॉग शूट करते। और दूसरी बात ये जो है ना इधर, यहाँ का ये वाइट कलर की बिल्डिंग है ना, ये क्रीम, ये ATC कंपनी, ATC बोले तो एडवांस टेक्नोलॉजी कंपनी, तो एडवांस टेक्नोलॉजी बोले तो समझ जाओ थोड़ा, बहुत हार्ड कंपनी है ये, क्यूब मॉल के सामने है। तो क्यूब मॉल आ गया है, कैमरा फ्लिप करके बता।
लोग पहुंच चुके हैं एग्जैक्टली सामने। अभी अपने को मॉल में एंट्री मारने का, अभी अपन लोग मॉल में एंट्री मारने जा रहे हैं। उससे पहले ये किरण क्या कर रहा है क्या मालूम, कुछ उठाने जा रहा है लगता, तो उसका शूट लेते हैं। मेरे को लगता है गाड़ी वाड़ी उठाने जा रहा है, तो चलते वो रोड पे और देखते क्या सीन है। वीडियो तो शूट करने देगा नहीं मालूम है, शुनू शुनू करेगा, फिर भी चलते हैं और देखते। अच्छा तो ये उठा रहा है, मेरे को लगा गाड़ी वाड़ी, यहाँ पे गाड़ी वाड़ी ऐसा नहीं कि दूर से लग रहा था कि कोई गाड़ी वाड़ी उठाने जा रहा है, ये तो अपना काम कर रहा है वो, तो सॉरी का। और बाकी ये देखो इधर एक अपन लोग पहुंच गए, ये रहा अपना क्यूब मॉल, क्यूब हाँ द क्यूब। तो अभी अंदर घुसते और देखते क्या सीन है क्या। तो फिर ऊपर ब्लूम्स लिखा है, सीढ़ी पे चढ़ रहे अपन और शॉट देखने का। इधर सालमिया में, सालमिया एग्जैक्ट, वैसे सारे कैफेज है बाहर बैठने वाले। और इधर स्टिक फैक्ट्री है मेन रोड पे, स्लाइस डोनर है और बहुत सारे कैफे आउट है। घुसते अंदर और देखते क्या सीन है। एक्साइट वगैरह का भी शॉप है इधर, तो अंदर का सीन देखते अभी क्या। How much for this one? 120. Yeah. This one is the smart one, the big one? This is smallest one. The big tire one? No, we don't have the big tire. We have all the same. Three kinds, but all... Same. Okay. Only the Pro 2 okay. have a bigger... Pro 2, Pro 2. This one bigger. Higher. And also the kilometer. No, actually I will buy this one inshallah soon. I just take sure. it because this is my vlog, YouTube vlog. So I saw this. This is my favorite. So how much you said? 120, 160, 190. Oh guys, जो मेरी favorite है, जो cycle मैं आप लोग को बहुत time से बता रहा हूँ, जो मैं लेने वाला हूँ, ये 120 kd की है, यहाँ पे Bloom's में, Cube Mall में। तो जब भी आओगे try करो 120, 160 and 190 kd की तक की cycle है। तो जब भी आओगे यहाँ पे try करो guys। बहुत फेवरेट है, सच में बहुत फेवरेट है, दिख रही नहीं है। और ये एरोज मेरी पेरिस परफ्यूम शॉप था नीचे एंट्रेंस पे ही, और एंट्रेंस पे एकदम रावस लुक है। और ऊपर कुछ है कि नहीं क्या मालूम, लगता सब बंद पड़ा है, तो लगता मॉल ही बंद हुआ है, खुला ही थी, पूरा सन्नाटा छाया है। बाकी देखने लायक की काफ़ी सारी चीज़ें, यहाँ पर लॉन्च है, ये एवर लॉन्च नाम है इसका लॉन्च का, वहाँ पर शीशा वगैरह भी चलता है, परफ्यूम का शॉप है, साथ में एक्साइट है। वो एक्साइट में देखते घुसने देता है क्या, नहीं देगा तो भी घुसते क्या, क्या नहीं घुसते, नहीं देगा तो नहीं घुसते, फिर भी देख लेते एक्साइट पे क्या कैसे। अस्सलाम वालेकुम, ओनली द वीडियो, इट्स ओके, थैंक यू। सो थैंक यू फॉर दिस गाय टू गिव मी टू शूट अ वीडियो। सो ये रहा एक्साइट क्यूब मॉल का। यहाँ पे काफ़ी सारे गिटार से, वो बहुत हार्ड हार्ड गिटार है। तो ये पूरे इलेक्ट्रॉनिक सेटअप है इधर, इलेक्ट्रॉनिक सेटअप मतलब टीवी, बहुत बड़ी बड़ी टीवी है गाइस, होम थिएटर है। एक्साइट बड़ा एक्साइट है, एक्साइट तो हर जगह है, बाकी बहुत बड़ा और अच्छा एक्साइट। तो टीवी है, ये स्पीकर से एकदम कड़क कड़क स्पीकर है, सोनी के स्पीकर है, बाद में ये कैरी फ्लाइंग स्पीकर भी है। स्पीकर से तो बहुत प्यार है अपने को, तो ये सब हाड़ हाड़ यहाँ पे स्पीकर रखे, फाइनर वगैरह के भी होंगे बाद में, फिर कैशो है, चलता नहीं है लगता, आवाज़ नहीं आती, तो ये सारे कैशो है, कैशो पियानो जो भी आप लोग बोलो। तो ये बड़ी बड़ी टीवी और ये सारे घर के लिए होम थिएटर्स चमरावस। तो इलेक्ट्रॉनिक में सबसे पहले अपन लोग यहीं घुसे, तो ऐसी सारी चीज़ें और भी बड़ी बड़ी चीज़ दिखने मिलेगी। ये टीवी है सब जो भी चल रहा है टीवी में, ये मगरमच्छ, अभी मगरमच्छ आया था, अच्छा टच ही, क्या दिख रहा है क्या, वो JBL के स्पीकर है, मतलब ये JBL के प्रोडक्ट है और स्क्रीन पे भी एडवर्टाइज JBL की हो रही है, लगता टीवी भी JBL की है, नहीं नहीं सोनी की है। तो वो ऐसा सारा सीन है, और सारे फ्रिज के शॉप है एक साइड में, बड़ी बड़ी फ्रिज है यहाँ पे। और अगर आप लोग की यहाँ पे शॉप है तो उसके लिए आप लोग को ये डीप फ्रीज़र लगती है आइसक्रीम, आइसक्रीम के लिए तो डीप फ्रीज़र भी है।
भी, प्लस चिल्लर भी है जिसमें कोको कोला स्प्राइट वगैरह रहता है, इसको चिल्लर बोलते, इसको फ्रिज बोलते और इसको डीप फ्रीजर बोलते, बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोलते। फिर बाद में ये इजी टू क्रेडिट वाला सीन है, क्रेडिट कार्ड पे या कुछ भी लोन वोन पे। फिर बाद में यहाँ पे एसी है सर, यहाँ पे सब फ्लैट एसी है पूरे, साथ में विंडो एसी भी है गाइस, और सब फ्रिज है। तो अभी आप लोग को मैं ना खाली इसका व्यू दिखाता हूँ, व्यू नहीं तो फिर उन लोग सोचेंगे कि क्या कर रहे थे टाइम से, ये वो ऐसा वैसा ऐसा, कोई कुछ बोला तो नहीं फिर भी। तो एक साइड जो बड़ी मार्केट है इसका व्यू देख लो आप लोग, क्या क्या सीन है। बस थैंक यू। तो ये सब सीन था यहाँ पे एक्साइट का, तो बहुत बड़ा एक्साइट था एक्चुअली, जितना दिखा उतना कम है, बाकी लोग कम थे फिर भी मुंह देख रहे थे। तो और कुछ सीन भाई यहाँ पे ऊपर कुछ है क्या? हाँ ऊपर ऑफिस है ना, ऑफिस है, ऐसा घूमने ऐसा नहीं जैसा मॉल वगैरह टाइप कुछ है। तो ये इतना साइलेंट क्यों है आज? अभी तक आदमी नहीं आता है, बस वो शाम को थोड़ा आता है। अच्छा, शाम के टाइम सब ओपन होता है? ओपन होता है बस, ज़्यादा होकर ये सब बंद। अच्छा अच्छा, ये सब बंद हो गया, ये जो माता में जरा नीचे देख रहे हैं बस इतना ही, इतना ही है ना क्यों मॉल में। थैंक यू बस गाइस। वैसे तो बोलने जाए तो बहुत अच्छा भी है क्योंकि पब्लिक कम है, और आना है एक मिनट आना है तो आप लोग आ सकते हो। और बाहर से लॉन्च का वीडियो दिखाता हूँ, लॉन्च में क्या क्या सीन है तो देखते हैं, क्योंकि अगर आप लोग पार्टी टाइप आ रहे हो, थोड़ा चिल करने के हिसाब से आ रहे हो, तो ये लॉन्च है। बहुत हार्ड दिख रहा है बाहर से, वीडियो में इतना अच्छा नहीं दिख रहा जितना ऐसा सामने से दिख रहा है। तो वो लॉन्च है, ये बुशा लॉन्च है, एवर लॉन्च है यहाँ पे, और ऐसा टाइप का जो मॉल है ये। अभी तो पब्लिक ज़्यादा नहीं है, शायद ये वायरस की वजह से सब बंद हुआ है, सबका लॉस हुआ है, सीधी सी बात है। बाकी जो जो चीज़ अपन लोग देखे सब हार्ड हार्ड चीज़ ही देखे, जैसे बड़ी एक्साइट है, ज़्यादा ऑफर होंगे, ज़्यादा सब आइटम मिलेंगे। तो अगर छोटे मोटे एक्साइट वगैरह की शॉप में नहीं मिलता तो वो यहाँ मिलेगी। तो इसी तरीके से था सीन, वो लॉन्च का पूछता हूँ परमिशन देगा, पूछने के बाद ये जो एवर लॉन्च है इसने मुझे इन्फॉर्मेशन दे दिया है, सॉरी इन्फॉर्मेशन बोल रहा हूँ, परमिशन दे दिया है तो अंदर जाने की। तो अपन लोग अंदर जा रहे हैं और देखते हैं लॉन्च कैसा है क्या। चलो
ऐसा कुछ सीन था यहाँ पे। ये लॉन्च है एकदम रावस और कूल और एकदम हार्ड डिजाइन है। ये देखो ग्रास एकदम लाइटिंग वाइटिंग प्लस सोफा एकदम हार्ड एकदम मतलब दिखने में इतना क्लासिक लग रहा है। तो आने वाली जगह है साइलेंट जगह है और सारे फ्लेवर है, जूस वगैरह मिलते हैं, बैठ के फैमिली के साथ चिल कर सकते हो, साथ में टेलीविजन भी है, LCD है। तो बहुत रावस लॉन्च था ये, तो देखते हैं। और ये कुछ ये नेल पेंट का शॉप है लॉन्च के जस्ट बाजू में, बाहर से देखा मैंने, वो नेल पेंट का है लड़की लोग के लिए, वो अपने लोग के लिए नहीं है। तो एक और लॉन्च है बुशा लॉन्च, तो वो देता है कि नहीं परमिशन देखते और उसका भी शूट देते। तो बुशा लॉन्च ये रहा, फाइनली ये बुशा वाले ने भी परमिशन दे दिया है, तो देखते हैं अंदर क्या है। तो बुशा में घुसते तो कुछ ऐसा सीन है, कुछ ऐसा मौसम लगता है। हो तो इधर कांच वाच लगी है और ऐसा सारा व्यू आ रहा है, बहुत हाड़ व्यू आ रहा है मेरे को। तो बाकी मैं आपको फ्लिप करके और रावत शूट लेके बताऊंगा। तो ऐसे सारे चेयर से एकदम मस्त चार जन के लिए डिस्टेंस मेंटेन करते हुए। और जो बाहर का व्यू ऐसा है, नीचे पार्किंग है मॉल के, LCD लगी है मैच वगैरह देखने के लिए। तो इसी सीन है, तो एकदम हाई क्लास लगता है, थोड़ा मज़ा आती है चिल करने, थोड़ा मुद्दे खर्चे होते हैं, बाकी अपने लोग की अभी बस की बात नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगी, जब होगी तब होगी। तो ऐसा कुछ सीन है, तो ऐसा ये लॉन्च है, एकदम रावस फीलिंग आने वाला। साथ में इधर किचन है, यहाँ पे सेपरेट वॉशरूम है, फिर बाद में ये लोग का बार सेक्शन है और कैश सेक्शन है, जहाँ से लोग का कैश सेक्शन नहीं सॉरी सिर्फ बार सेक्शन है। तो लोग के सारे ड्रिंक्स है, बहुत हार्ड रावस रावस ड्रिंक्स मिलती है इनके पास। तो लॉन्च का नाम है बुशा लॉन्च, क्यूब मॉल में, जब भी आओगे ट्राई मारो, चेक मारो। और स्माइल ड्रिंक ईट लाफ, ऐसा लोग का थॉट है, तो एब्सोल्युटली वो करना चाहिए इंसान को। और यहाँ पे क्लॉक है जिस पे सेट टाइम बुशा लॉन्च, साथ में ऐसा कुछ फ्रेम। तो ये था अपना बुशा लॉन्च का शूट, आपको फ्लिप करके बताता हूँ उसका सीन, बताता हूँ कैसा लगता है वो अपने कैमरे में। दिया परमिशन दिया शूट लेने की, फिलहाल ये सब चीज़ खाली इसलिए लग रही है बिकॉज ऑफ रीज़न ऑफ कोविड-19 की वजह से, ये सब चीज़ यही नहीं और भी चीज़। तो ये वाली साइकिल है मेरे को लेने का है, वो बंदा चला रहा है, वो साइकिल लेके मैं उस पर शूट करने वाला हूँ, बहुत सारी वीडियो वो जल लूँगा। कमेंट में बताओ लेना चाहिए या नहीं, और लेने के बाद बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, तो वो वीडियो में दिखाना चाहता हूँ, अभी बोलूँगा नहीं। जो काम से आया था वो काम पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेन सीन था क्यूब मॉल का नाम बहुत अच्छा था माशाल्लाह पहले से ही, तो आने का था यहाँ पे क्यूब मॉल में भी, तो जो कि अपना हो गया पूरा आने का सीन। तो यही सारी चीज़ थी, जैसे कि लॉन्च है, अगर थोड़ा पार्टी वार्टी टाइप है तो वहाँ आ सकते हो, अभी ज़्यादा पब्लिक नहीं है। तो ये रोज़मेरी परफ्यूम जो मैंने आप लोग को बताया, ऐसा सब सीन है इधर। सो गाइस अभी अब मैं जहाँ बैठा हूँ, ये वर्ब कैफ़े के सीट है और उन्होंने मुझे परमिशन दे दी है, तो ये जो सीटिंग अरेंजमेंट है बहुत रावस है, देख सकते हो आप। तो मैं अभी आप लोग को अंदर का शूट दिखाता हूँ कि ये वर्ब कैफ़े में क्या सीन है। तो ये भी क्यूब मॉल में है, तो लेट्स सी और लेट्स हैव अ लुक क्या शॉट। जिसके अभी मैंने आप लोग को शूट दिखाया, अभी फ़िलहाल बहुत साइलेंट है, ऊपर शीशा हुक्का वगैरह भी चलता है बहुत हार्ड, और प्लस यहाँ पे
एकदम राउस राउस प्रिंट है और कार की मैकविल्स है और चेंस है, चेंस पॉकेट है और बहुत सारी चीज़ें है। ये हेलीकॉप्टर है इधर, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें और ये बार है, यहाँ का काउंटर है और पब्लिक बैठती है, साइलेंट प्लेस भी है, शायद म्यूजिक म्यूजिक बजे ऊपर का ऐसा कुछ सेटअप है। तो बहुत हार्ड लगा मेरे को, तो मैं आप लोग से शेयर कर रहा हूँ, आवाज़ नहीं निकल रही क्योंकि बहुत साइलेंट प्लेस है। तो जब भी आओगे ये ट्राई करो वर्क कैफे ना, जो मैं बताया आप लोग को, अंदर आवाज़ नहीं निकल रही थी क्योंकि एकदम सन्नाटा छाया था और शीशा वगैरह भी चलता है, हुक्का वगैरह, तो बहुत हार्ड सीन था। और ये यहाँ का गेट है और वो दूसरा गेट था। तो इसी तरीके से मेरा क्यूब मॉल का जो ब्लॉग है यहीं पे ख़त्म तो नहीं होएगा, ऐसा जाने नहीं दूंगा। तुम लोग को मालूम है मैं क्या मांगने वाला हूँ तुम लोग से, जो कि तुम लोग को देना चाहिए, हक बनता है यार भाई। वीडियो देख रहे इतना समझ रहे तो मतलब, अगर समझ में ऐसा नहीं ज़बरदस्ती नहीं है, बाकी अगर समझ में आएगी तो थोड़ी बहुत नहीं क्या दोस्ती तो कर ही सकते ना तुम लोग अपने से। तो वैसा सब सीन था। तो ये पार्किंग है गाइस और जूम कैफे रेस्टोरेंट है। तो अपने को इलेक्ट्रॉनिक आइटम से रिलेटेड क्यूब मॉल में अपन आ सकते हैं, खाने पीने से लेके रिलेटेड क्यूब मॉल में अपन लोग आ सकते हैं, पार्टी और चिल करने के लिए क्यूब मॉल में अपन लोग आ सकते हैं। कार पार्किंग वगैरह किसी का भी कुछ भी शॉर्ट कुछ भी सीन नहीं है और ज़रा भी टेंशन नहीं है। तो ऐसा सारा सीन था। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट में बहुत सारा प्यार, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और होप वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। वीडियो को एक एक सेकंड देखने वाले को दिल से थैंक यू। और ये कार क्या बिल्ला दिख रही है देखो, ओहो ऐसा तो अलाउड नहीं है, लेना नहीं चाहिए एक्चुअली, बट अच्छी लगी इसके लिए ले लिया। तो ऐसा सब सीन है इधर और ये भी कार बहुत रावस है पीछे जो खड़ी है। तो गाइस मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।